गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन। और ये रूटीन मैं बहुत रेयरली शेयर करती हूँ बिकॉज मैं आफ्टरनून में मोस्ट ऑफ द टाइम लैपटॉप के सामने ही होती हूँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो और ये वीडियो मेरा कंटिन्यू है जो मैंने लास्ट वीडियो मेरे प्रीवियस लास्ट वीडियो मैंने जो अपलोड किया था नेपाली थकाली खाना, और उसी के बाद ही है बिकॉज अभी गेस्ट घर पर हैं। जो लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है। तो अभी मैं आफ्टरनून में बना रही हूँ फ़िश कड़ी। तो मैंने यहाँ पे अराउंड 2 kg फ़िश लिया है जिसमें से हाफ मैं फ्राई करूँगी और हाफ जो है ग्रेवी के साथ जाएगी। तो मैं यहाँ चॉप कर रही हूँ 2 big size के टमाटोज, हाफ अनियन और हाफ गार्लिक है, यानी कि 4 या 5 pieces होंगे गार्लिक के। और साथ साथ यहाँ मेरा काम चल रहा है बिकॉज फ़िश कड़ी बनाने में टाइम लगता है, और यहाँ मेरे हस्बैंड मेरा हेल्प कर रहे हैं फ़िश कट करने में। और तब तक मैं प्रिपेयर कर रही हूँ ग्रेवी के लिए। और यहाँ पे मैंने लिया है चावल का आटा, और उसमें मैं हल्दी, नमक और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, दैट्स इट। और इसे और बस इसमें वाटर ऐड करने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। और ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा थिन ना हो, थोड़ा सा थिक ही रखेंगे। अगर ज़्यादा थिन हो जाएगा तो फिश उसमें अच्छे से रैप नहीं होगा, तो जो फ्राई फिश खाने का मज़ा आता है ना, क्रंची क्रंची, वो मज़ा नहीं आता है। सो दैट्स व्हाई इसे थोड़ा थिक रखेंगे। तो बस इसी तरह मैं सारे फ़िश को फ्राई करते जाऊंगी, और बाकी सब लोग अपना फ़िश इन्जॉय कर रहे हैं। ब्रेक टाइम हो चुका है और मैंने सबको इंसिस्ट किया कैमरे में आने के लिए, बट सब लोग you know, अभी वर्क फ्रॉम होम है ना, तो कोई रेडी नहीं रहता है, सब ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इसी वजह से कोई कैमरे पर अभी नहीं आया। मैं आपको मिलाती हूँ शाम में सबसे। और इधर मैं अब तैयारी करूँगी ग्रेवी की। तो ग्रेवी के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। मोस्टली मैं नॉनवेज को मस्टर्ड ऑयल में ही बनाना पसंद करती हूँ, और हमारे घर में भी ना मस्टर्ड तो मैंने यहाँ ऑयल में जो है मेथी के दाने ऐड कर दिए थे, और वो जब तक फ्राई हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे मसाले रेडी करूँगी। तो मसालों के लिए मैंने लिया है मस्टर्ड पाउडर, और मैंने यहाँ येलो मस्टर्ड पाउडर लिया है। आप चाहें तो ब्लैक भी ले सकते हैं, या ब्लैक मस्टर्ड को ग्राइंड भी कर सकते हैं। और इसमें मैंने ऐड किया है रेड चिली पाउडर एंड हल्दी, और अब मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ऐसे मिक्स करने के बाद जब हम मसालों को तेल में हल्का सा भूनते हैं ना, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मसाले बहुत अच्छे से भुन जाते हैं। और साथ साथ यहाँ मेरे मसाले एक तरफ भुन रहे हैं, और एक तरफ मेरा फ़िश भी फ्राई हो रहा है, और साथ ही साथ दोनों काम चल रहे हैं, और मैं यहाँ पे गप्पे भी मार रही हूँ। तो मैंने अभी इसमें जो टमाटो की प्यूरी मैंने बनाई थी वो ऐड कर दी है। तो अब ये साथ साथ दोनों मिक्स होते रहेंगे, और जब तक इसके ऊपर से हल्का सा तेल नहीं आने लगता है तब तक मसालों को भूनना होगा। और अभी मैं जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ, काफ़ी लेट नाइट हो गया है, तो थोड़ा सा मेरे वॉइस में थोड़ा सा थकान टायर्डनेस पता चल रही होगी,
तो गाइस, जो भी अभी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये न्यू चैनल है। तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आती रहूँगी। और आप मुझे बताइए कि आपको किस तरह के वीडियोस देखना पसंद है, मैं उसी तरीके के वीडियोस लेके आती रहूँगी। सो वैसे सबको पता होगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता है कि मैं अभी डाइट फॉलो कर रही थी, बट अभी जब से घर पे गेस्ट आ गए हैं तो डाइट वाइट कुछ भी नहीं फॉलो हो रहा है। बट हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा बहुत तो ध्यान दे रही हूँ कि ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करूँ, बिकॉज घर पे जब गेस्ट आ जाते हैं ना तो बहुत कुछ बनता है, लाइक मॉर्निंग टू इवनिंग कुछ ना कुछ रेसिपीज तो चलती ही रहती हैं। और यहाँ कनाडा में तो बहुत रेयर होता है कि आपके घर कोई गेस्ट ऐसे आके दो तीन दिन स्टे करे। तो मैं आगे के वीडियोस में बताऊँगी कि जो हमारे फ्रेंड्स आए हुए हैं तो वो यहाँ क्यों आए हैं और क्या रीज़न है यहाँ आने का। तो मैंने यहाँ वाटर ऐड कर दिया है और इसे मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे कुक करूँगी लो फ्लेम में, और साथ में किचन की क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि फ़िश बनाने के बाद थोड़ा सा किचन स्मेली भी हो जाता है, तो साथ साथ मैं उसे क्लीन कर दूँगी अगर उसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दी। तो ग्रेवी बन के रेडी हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ़िश के पीसेस। तो फ़िश के जो पीसेस होते हैं ना ग्रेवी में, सबसे लास्ट में ऐड करने चाहिए जब आप गैस को ऑफ कर दो उसके बाद, वरना फिर फ़िश सॉफ्ट हो जाता है तो वो टेस्ट में मज़ा नहीं आता है फ़िश खाने में। और यहाँ मेरी फ़िश करी बन के रेडी हो चुकी है। तो अभी हमारा लंच हो चुका है और साथ साथ मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ। तो मैं नॉनवेज के बर्तन डिशवॉशर में क्लीन नहीं करती, मैं उसे हैंड से ही मतलब देसी स्टाइल बर्तन क्लीन करती हूँ, और बस बर्तन क्लीन करने के बाद बैक टू वर्क। तो अभी कुछ दिनों से, लाइक 2-3 डेज से, मैं जो है लिविंग रूम में ही मेरा ऑफिस रूम हुआ है, बिकॉज घर में ये 3 रूम है और तीनों रूम कैप्चर हैं, 3 लोग अपना अपना लैपटॉप लेके एक एक रूम को कैप्चर किए हुए हैं। तो अभी ऑफिस रूम फ्री नहीं है, तो मैं लिविंग रूम में ही बैठ के अपना काम करती हूँ। और ओके, टेल मी द नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स। जैस्पर वन, सॉरी व्हाट इज नेम? जैस्पर, राइट? यस। नो, योर फ्रेंड नेम इज जैस्पर और नॉट? स्पेंसर। स्पेंसर, सॉरी, स्पेंसर। एंड Amelia. And Olivia. And not Olivia. Yeah, you got confidence, right? Cecilia. Also me. Okay. Yeah, one is Razel, yeah. Razel then. Rocco? No. Rocco is your friend. Oh, Rocco is just in senior room. Okay, senior. He's not in senior. So you're senior also? Yes, he's in just in senior room. That's silly. Okay. 8 to 5 o'clock. तो ये है हमारे इवनिंग टी टाइम और फैमिली टाइम। तो यहाँ पे बातें चल रही हैं रेचल की डे केयर की, और वो यहाँ पे खूब सारी स्टोरी हमें सुना रही है। और हम सब रेडी हो चुके हैं बाहर जाने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत ही स्पेशल जगह दिखाती हूँ हमारे घर के पास, जहाँ के आपके वो सीन मेरे हर एक ब्लॉग्स में देखने को मिलते हैं, बट आज का सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। हमेशा मैं आपको रिवर के आगे से दिखाती हूँ व्यू, बट आज रिवर के ऊपर चढ़ के आपको ये व्यू दिखा रही हूँ। और ये पूरी नदी जो है, पूरा रिवर फ्रीज हो चुका है, यहाँ पे चल रही है आइस हॉकी। और ये बेचारे जो Thank you.
have the rural one. I did the rural one back in US and India. Yeah. But I don't have this place. तो ये सब तो मेरे लिए बिल्कुल नया है और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ. कभी मैंने ऐसे नहीं देखा है. मैंने ऐसे वीडियोस पे देखा था जो यूएस के वीडियोस या कनाडा के वीडियोस यूट्यूब पे वायरल होते थे और ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी. और रियल में मैं जब उस पर खड़ी थी ना तो भी मुझे डर लग रहा था. और यहाँ पे ये सारे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं. और ये सारे जो हॉकी और बॉल्स हैं ना ये चर्च की तरफ से लेके आए हैं. बट हमें बोल रहे थे, तो मेरे हस्बैंड को तो आता है, वो यूएस में ऑलरेडी रहते थे तो उन्हें वहाँ पे कॉलेज में काफ़ी ये सब चीज़ों सीखे हैं. बट मुझे ऐसा नहीं कुछ आता तो मैं अपना वो काम कर रही थी जो मैं बहुत अच्छा करती हूँ, तो मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी. तो बस आज के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए. मैंने यहाँ पे अपनी आईडी लिख के रखी है. तो चलिए मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में.